था उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, जयपुर। गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सो अभी टाइम हो रहा है 6:30, अभी हम निकलने वाले हैं पता नहीं, ये जगह का नाम है, बिकॉज हम जा रहे हैं दिल्ली साइड। लेट्स सी कहाँ एक्सप्लोर करते हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, मेट्रो में जाके डिसाइड करते हैं। सो लेट्स गो। गाइस बहुत देर के बाद, बहुत सोचने समझने के बाद गैस किया कि चलो यार राजीव चौक उतर जाते हैं और फिर राजीव चौक के पास देखते हैं। सो अभी 5 मिनट मेट्रो का स्टॉप लेने के बाद सोचा है चलते हैं जंतर मंतर, क्योंकि मैं भी कभी जंतर मंतर नहीं आया हूँ। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर जंतर मंतर। चलो निकलते हैं अभी बाहर। ओ भाई राजीव चौक डेट इज कनॉट प्लेस भी बहुत टाइम बाद मॉर्निंग में आ रहा हूँ, ये भी घूमते हैं कनॉट प्लेस और देखते हैं कैसा सीन रहता है मॉर्निंग में। कितना ज़्यादा खाली है, इट्स लाइक मैंने, मुझे लगता नहीं, मुझे याद भी नहीं मैंने इतना खाली का भी सीपी देखा होगा। मे बी कोविड ओविड में आया होगा उस टाइम था, बट ओ भाई क्या सही लग रहा है। फॉर सरप्राइज सन, सो इट्स अराउंड 7:45 और यहाँ से बस 600 मीटर है। सो लेट्स वॉक एंड चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं। बढ़िया, और ये देखो भाई यहाँ से साइकिल ले सकते हैं, कोई ऐप से होगी। सो ट्राई करते हैं, अगर स्मार्ट बाइक की अगर अपने पास हो जाता है तो अपन साइकिल लेके चलते हैं। गाइस अपनी एप्पल आईडी का पासवर्ड ही भूल गया हूँ और अभी रीसेट नहीं कर सकता, सो बस ऐसे ही निकलते हैं क्योंकि ऐप ही इंस्टॉल नहीं हो सकता विदाउट आईडी पासवर्ड। सो अभी यहाँ से निकलते हैं, बस 600 मीटर है, सो वॉक ही कर लेते हैं, कोई बड़ा लोड नहीं है। और ये देखो भाई पूरे ही खाली है। अभी पली का बाज़ार भी नहीं खुला होगा, आई थिंक 10-11 बजे ही खुलता होगा। सो लेट्स गो। गाइस ये रहा जंतर मंतर का साइट प्लान पूरा। यहाँ पे है राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, सम्राट यंत्र, सहस्रमासा यंत्र, ठीक है। तो ये सारे यंत्र हैं और ये महाराजा सवाई जय सिंह टू, उन्होंने इसका यू नो एस्टेब्लिश किया था इसको 1699-1743 में। तो काफ़ी सही है, आप पढ़ सकते हो, मैं ये पूरा पढ़ चुका हूँ। सो गाइज अभी जंतर मंतर के अंदर एंटर कर चुके हैं और काफ़ी सही एक्सपीरियंस अभी तक दिख रहा है, बिकॉज ये जयपुर के महाराजा ने बनवाया हुआ था और काफ़ी सारे यंत्र हैं। सो बेसिकली इनका फंक्शन है कि आपको बताते हैं कि कौन सा समय चल रहा है, वक्त, जो क्योंकि उस टाइम वॉचेस तो होती नहीं थी राइट, और उस टाइम पता भी नहीं चलता था कब ठंड आने वाली है, कब गर्मी ऐसे आने वाली है, तो उस टाइम पूरा प्रिसाइजली बताने के लिए कि भाई आज दिन कब है, मतलब कब सनसेट हो चुका है, कब सनराइज़ होने वाला है, तो उस हिसाब से टाइम को पता करते थे। तो इस टाइप से उन्होंने बनाया था, उनका काफ़ी इंटरेस्ट था महाराजा का, तो वो काफ़ी सही उन्होंने बनवाया और उनने काफ़ी एस्ट्रोनॉमी के स्कूल से लेके, काफ़ी सही हवा चल रही है वैसे, तो काफ़ी एस्ट्रोनॉमी के स्कूल से स्टडीज़ वगैरह करके यहाँ पे बनवाया था, वो काफ़ी सही लग रहा है। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये जो सबसे सामने आपको दिख रहा है ये है सम्राट यंत्र, ठीक है। तो इसके वेस्ट और ईस्ट क्वाड्रेंट है और इसका मेज़रमेंट था मेनली सोलर टाइम को और लोकल टाइम एट अ ऑफ अ प्लेस एंड द सन डिक्लिनेशन। तो ये आपको बताता कि जब सन सेट होगा और इसमें जब लोकल टाइम क्या होगा उस जगह का, ठीक है। तो ये उसका काम था, बाकी एक बार घूमते हैं एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस ये है सहस्रमासा यंत्र, ये एग्जैक्टली आप एक बार देख के पढ़ सकते हो।
सो गाइस ये हो गया सम्राट यंत्र, ये हो गया सहस्मासा यंत्र, और यहाँ पे हम आ चुके हैं तो ये है जो अपना जयप्रकाश यंत्र। सो गाइस मुझे देखो टाइम में इतना इंटरेस्ट है नहीं कि वो कैसे क्या पता करते थे। सो आपको इंटरेस्ट है तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं फिर भी एक बार पढ़ तो लेता हूँ बट समझा नहीं सकता आपको समझाना काफ़ी टफ है ना, तो ये पढ़ लेता हूँ। चलो आप जब तक एक बार देखो यार। गाइस ये वाला है जो है जय प्रकाश यंत्र, और इससे डे एंड नाइट का पता करते थे जितना मुझे समझ में आया, बाकी डोंट कोट मी इफ आई एम रॉन्ग सॉरी। सो गाइस ये है राम यंत्र, और ये रही राम यंत्र वाली बिल्डिंग इन द सेंस यहाँ से भी कुछ टाइम का ही पता करते थे। बेसिकली यार बहुत बहुत कंफ्यूजिंग है, इतना इजीली लिखा नहीं है इन्होंने, इतना समझाने की कोशिश की है, बट अगर मुझे कुछ मिल गया तो मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगा। आई विल ट्राई। यहाँ पे दो तीन लोग मिले, उनसे भी मैंने जानने की कोशिश की कि कुछ समझ में आया क्या। भाई नहीं आया, किसी को कुछ समझ नहीं आया, मतलब कुछ मतलब इन द सेंस बहुत क्लियरिटी नहीं है कि मैं किसी को समझा पाऊँ। मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, उससे मैं आपको तो नहीं समझा सकता बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी रॉन्ग। सो किसी को समझ नहीं आ रहा है, बट ठीक है थोड़ा बहुत देखूंगा, अगर YouTube से मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज भाई ऐसे ही देख लो जो भी है। बढ़िया है, जंतर मंतर काफ़ी फेमस है। गुड डे टू यू। सो गाइस बेसिकली मैंने कुछ YouTube सर्च किया, कुछ Google सर्च किया, तो मुझे ये समझ आया कि ये जो है बेसिकली टाइम को, लोकल टाइम को कैसे मेजर करना है, कैसे कब बारिश होने वाली है उसको भी थोड़ा बहुत मेजर करते हैं, है ना, और कहाँ किस टाइम पे सनराइज होगा, किस टाइम पे सनसेट होगा, है ना, कितने बजे हुए हैं वो भी ऐसी समझते थे कि टाइम क्या हो रहा है, कितने बज गए हैं, ना 12, 1, 2 सब उस पर धूप के हिसाब से समझा जाता था। ये देखो। सो गाइस ये है मिश्रा यंत्र, और जिसको पढ़ना है तो आराम से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। और ये रहा भाई, काफ़ी सही लग रहा है। इसकी कुछ वॉल्स वगैरह 5 डिग्री पे इंक्लाइन है, और इससे बेसिकली सेलेस्टियल वॉट जस्ट लाइक अ मून, उसका नियरेस्ट पॉइंट वगैरह पता कर सकते हैं कि वो कहाँ पर है एग्जैक्टली, कितने मिनट दूर, मतलब कितने आर्क पे है, है ना। तो ये है भाई, अच्छा दिख रहा है, काफ़ी सही लग रहा है, और उस टाइम पे इतनी अच्छी डेवलपमेंट करना इज नेक्स्ट टू वेरी वेरी बिग थिंग। सो गाइस बस यहाँ से निकलते हैं, और ये और बता देता हूँ कि ये जैसे जंतर और मंतर का मतलब होता है, जंतर मतलब होता है यंत्र, मतलब और मंत्र मतलब होता है कैलकुलेशन। सो इट्स अ यंत्र, मतलब इंग्लिश में आप बोल सकते हो अ मशीन एंड अ कैलकुलेशन, ठीक है। तो उस टाइम की ये वॉच है, और इसमें बहुत कुछ बताया जा सकता था उस टाइम देख के और अभी भी देख के, बट मैं नहीं बता सकता, डेफिनेट सी बात है। और ये 5 जगह बनवाया गया था। सो गाइस ये 5 जगह है इंडिया में ओवरऑल, और ये 1700 के आसपास जो बनवाया गया था महाराजा सवाई जय सिंह 2 की तरफ से, उन्होंने बनवाया था उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, जयपुर, दिल्ली। तो ये 5 जगह है, और हर जगह डिफरेंट डिफरेंट यंत्र हैं, कुछ जगह सेम भी हैं। यहाँ पे मेजरली 5 से 6 यंत्र हैं, है ना, और आई होप यू लाइक दिस। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो, जंतर मंतर जितना भी था मैंने दिखा दिया आपको, मैंने भी फर्स्ट टाइम ये घूम के आया हूँ, सो मुझे भी अच्छा लगा। जो उसको साइंस से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर उसको साइंस की समझ में आती है कि आर्क वगैरह ये सब मुझे पहले आता था, उस टाइम था, अभी तो यार काफ़ी टाइम से आर्क का मुझे याद ही नहीं, कौन सा क्या कितना दूर है डिस्टेंस वगैरह, आई एम टोटली आउट ऑफ दिस। और हाँ डेफिनेटली इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इन द सेंस ऐसे है कि यार कब क्या होता है एलियंस वगैरह, आउटर सरफेस में क्या क्या है, सोलर सिस्टम के बाहर क्या है, इन सब में इंटरेस्ट है, वो भी अच्छा लगता है सुन के, देख के, समझ के। बट आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अभी अभी इस वीडियो को एंड कर